हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल पीपीएस नॉलेज में। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ यूपी बीएड एडमिशन 2021 बीएड की काउंसलिंग चाचौड़ में होगी। काशी विद्यापीठ को बनाया गया है नोडल केंद्र। तो क्या है न्यूज़, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना स्किप किए वीडियो को शुरू करते हैं। बीएड के लिए चार चरणों में कराई जाएगी काउंसलिंग। 1 सितंबर से काउंसलिंग। काशी विद्यापीठ को बनाया गया नोडल केंद्र। बीएड परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद अब अभ्यर्थियों को काउंसलिंग का इंतजार है। काउंसलिंग के लिए काशी विद्यापीठ को नोडल केंद्र बनाया गया है। काउंसलिंग की प्रक्रिया चार चरणों में आयोजित कराई जाएगी। विश्वविद्यालय से जारी सूचना के अनुसार पहली काउंसलिंग 1 सितंबर से शुरू हो सकती है। बीएड परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को कट ऑफ और काउंसलिंग का इंतजार है। काउंसलिंग की प्रक्रिया ऑनलाइन ही कराई जाएगी। वहीं प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को निर्धारित विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में उपस्थित होना पड़ेगा। 6 अगस्त को यूपी संयुक्त परीक्षा बीएड 2021 में बनारस में काशी विद्यापीठ को नोडल केंद्र बनाया गया था। अब रिजल्ट के बाद ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू होने की तिथि 1 सितंबर और शैक्षणिक सत्र के आरंभ की तिथि 6 सितंबर निर्धारित की गई है। बीएड प्रवेश परीक्षा की तारीखों में 3 बार बदलाव किया गया है। 6 अगस्त से पहले परीक्षा की तिथि 1 जुलाई और फिर 3 जुलाई तक की गई थी। कोरोना संक्रमण के कारण पुनर्विभाग कार्यक्रम के अनुसार 19 मई को परीक्षा का आयोजन नहीं किया जा सका था। काउंसलिंग से संबंधित सभी की जानकारी लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ही जारी की जाएगी। इस तरीके से रहा आपका काउंसलिंग का पूरा डिटेल्स जो मैं आपको बता दिया हूँ इस वीडियो के अंदर। और यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मैं आपको अपडेट्स देता रहूँ। धन्यवाद।